किया तूने तेरी बहादुरी का अंजाम। अंजाम के डर से अंजाम बदल तो नहीं जाता। बहुत बोलती है तू। तुझे मैं कोई ब्रह्मास्त्र लगता हूं? तेरी उंगली भी काटती फिर भी तुझे यकीन नहीं आ रहा। तुझे लगता है मैं किसी को मार नहीं सकता, किसी का कत्ल नहीं कर सकता? तुझे बताता हूं मैं किस तरह लोगों को मारता हूं। चल भाई चिकने, तेरी मौत का वक्त हो गया, कलमा पढ़ ले। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, भाई माफ कर दे। मैंने फैसला कर लिया तू मरेगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया। तू भी इसी तरह मरेगी। तुम भी एक दिन मरोगे, फिर क्या होगा? जवाब दोगे इस सबका? भाई आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। तो तुम जिंदा, सब ड्रामे पास है। तू भी तो बहादुरी का ड्रामा कर रही है। खौफ तो हर इंसान में होता है। हर इंसान में खौफ नहीं होता बाबा। बाबा ये झूठ बोल रही है। खौफ हर इंसान में होता है। मैं उस दिन डर गया था बाबा। मैं कर क्या सकता था उस दिन, और मैं चाहता भी तो क्या करता। डरना डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के बुरे काम करना बुरी बात है। मैंने क्या बुरा काम किया है? भागता चीखता चिल्लाता कौन आता हमारे लिए? राजिया ने कोशिश की थी ना ऐसा मारा उसको कि उसका चेहरा तक पहचानने के काबिल नहीं रहा। कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, लेकिन जो जुल्म तुम अब कर रहे हो वो तुम्हारे इख्तियार में है। तुम ये सब छोड़ सकते हो। छोड़ कैसे दूं? ये सारी दुनिया खौफ पे चलती है। दुनिया मोहब्बत पे कायम, खौफ पे नहीं। लेकिन कामयाब वही है जो अपना खौफ दूसरों के दिलों में बिठा देता है। दिल में जगह मोहब्बत और कुर्बानी से बनती है। यजीद ने खाना कहवा की दीवार गिराई, मस्जिद नबी में कत्ले आम किया, आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, दहशतगर्दी की इंतहा करती उसने, लेकिन दिल में जगह मौला हुसैन ने बनाई अपने अखलाक से, मोहब्बत से, कुर्बानी से। यजीद, उसके हिस्से में सिर्फ लानत ही आई। Yeah.
न्याजी, सलीम भाई। क्या हुआ भाई? हम कल सवेरे ही ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। खैरियत तो है भाई? तुझे सवाल पूछना जरूरी है? अबे चिकने, क्यों खामखा बोलता है बीच में? जब भाई बोल रहा है तो कोई गड़बड़ तो होगी ना। ठीक है भाई, चलेंगे। सब ठीक तो है ना सलीम भाई? पता नहीं। भाई खरीद तो है ना? इधर झाड़ियों में एक बैग पड़ा है, वो जाके ले आओ। कौन सा बैग भाई? सेठ के पास ना हो। तुम तो जानते हैं सेठ साहब, अगर दो दिन के अंदर अंदर अमानुल्लाह झील से बाहर नहीं आया तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। करोड़ों रुपए का माल दो मुल्कों की सरहद के बीच में पड़े और उस माल को शहर तक लाने का काम अमानुल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकते। ओ खाना, मेरा मीटर मत खराब कर। मेरा मीटर, ये काम जिन लोगों के सुपुर्द मैंने किया है वो तो अब तक हो भी चुका होगा। दो चार दिन में अमानुल्लाह हमारे साथ होगा। अगर न हुआ तो क्यों नहीं होगा? 20 करोड़ रुपया मैंने खुद गिन के दिया है। ठीक, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा 20 करोड़ तुमको मिल जाएगा, लेकिन अमानुल्लाह के रिहा होने के बाद। ठीक है सेठ साहब, हमारा नमाज का टाइम हो गया, अभी हम चलते हैं। पमा खदे खा। बहुत जालिम लोग हैं ये, तुम्हारे सजदों का इन पे कोई असर नहीं होगा। बात सजदों की नहीं, इश्क की है। दो तरह के लोग एक तरह की नमाज तो पढ़ सकते हैं, मगर उनका इरादा और इश्क एक जैसा नहीं हो सकता। नमाज तो यजीद के मानने वालों ने भी पढ़ी थी, लेकिन कमी थी तो अतात की, इश्क रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वैसे भी नमाज किसी फ़र्द को मुतासिर करने के लिए नहीं पढ़ी जाती, वो तो खुदा, रसूल और उसके इनाम याफ्ता लोगों के करीब होने का एक वसीला है, और ना ही उसे तर्क करने का कोई जवाब है। हमारे इमाम ने नमाज को जावेदा ज़िंदगी देने के लिए ख़ुद को शहादत के सुपुर्द कर दिया।
क्या उनके साथ अजर सवाब का मामला था? वो तो खुद अपनी जात में वसीला है अजर सवाब कमाने का। नमाज तो माँ के आंचल की तरह, जिसे एक बार मजबूती से थाम लो तो बच्चा कहीं मेले में गुम नहीं होता। मेरे भाई, तुम भी नमाज पढ़ा करो। हेलो, तेरे पास आज शाम तक का वक्त था और तूने कुछ भी नहीं किया। मैं तुमसे रابطہ करना चाह रहा था मगर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। ओ बस बस, ज्यादा टोपियां नहीं करा। नंबर नहीं था, लाइन पे आ, लाइन पे बोल, मार दूं क्या तेरी बेटी को? देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं कोशिश कर रहा हूं ना। देखो, कल शाम तक की मोहलत दे दो मुझे भाई। देख, अगर कल शाम तक अमानुल्लाह रिहा नहीं हुआ ना तो गायब आना, नमाज जनाजा का इंतजाम कर लेना, क्योंकि अब तक तो तू टुकड़ों तक का माजन खो चुका है। मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरी मजबूरी को समझो। देखो, लाश भी नहीं मिलेगी तेरी बेटी की। जानता तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे मेरे इरादों में कमजोर कर रही है। मैं तो ये समझता रहा कि अगर किसी पर काबिज होना हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल में अपने होने का खौफ बिठा दो। मगर अब यूं लगता है जैसे तुम्हारे दिल में किसी किस्म के खौफ की कोई गुंजाइश ही नहीं। भाई किन चक्रों में? अबे चकने, भाई को खास किस्म की धमकी दे रहा होगा। तुम जिन खादमों की खादमा हो, मैंने भी उनकी जूतियां सीधी की हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो कुछ भी करना है जल्द और एहतियात से करना है। सर, बड़े शातिर लोग हैं वो, फोन कॉल का ऐसा निज़ाम बना रखा है कि कॉल ट्रेस ना हो सके, मगर हमारी टीम ने उनकी आखिरी कॉल ट्रेस कर ली है। इलाका पहचान लिया गया है सर, पहाड़ी इलाका है इसलिए असल ठिकाने तक रसाई ज़रा मुश्किल है, मगर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उन तक पहुँच जाएंगे। आप अपनी वहाँ जासूसी टीमें भेजें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे। मुझे हर हाल में वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, आप भरोसा रखें, हम जल्दी उन तक पहुँच जाएंगे। गुड, ओके सर। ये लो, खाना खा लो। सुनो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूं। मुझे सजा होता से डर नहीं लगता, डरते बुजदिल हैं। तुम भी तो बुजदिल हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपना सामना करने से डरते हो, हर वक्त अपने चेहरे को इस मास्क के पीछे छुपाए फिरते हो, कहीं कोई तुम्हें पहचान ना ले, कि मैं तुम्हें पहचान ना लूं। खुद को बहादुर लोगों के साथ जोड़कर उनके
के वकार को तो खराब ना करो। जो निडर होता है वो मैदान में लड़ता है, तुम्हारी तरह यूं छुपते फिरते नहीं है। इस तरह के दावे करने के लिए अपने प्यारों के सर देने पड़ते हैं। ये बुजदिली नहीं मसलियत है। ओह, तो तुम मसलियत को समझते हो, लोगों के गले काटना, उनकी उंगलियां काटना, तशद्दुद करना, उन्हें तकलीफ देना, ये तुम्हारे लिए मसलियत ही तो है। तारीख गवाह, तुमसे पहले जितने भी जालिम आए वो सब मसलियत के नाम पर जुल्म करते रहे और खुद को बहादुरी के चोगे में पनाह देते रहे। बहादुर तो वो बहादुर थे जिन्होंने कई हजार बुजदिलों की फौज को इस तरह गर्क कर दिया कि वो अबद तक इबरत का निशान बन गए। यजीद भी तो यही समझता था जो तुम खुद को समझते हो। पुस्तिल कहीं का वो पुस्तिल था, मैं पुस्तिल नहीं हूं। और तुम आज जिनकी निस्बत से जिंदा हो ना, मैंने भी उनका जिक्र अपनी मां की कोक में सुना है। मेरी आंखें ख़बे हुसैन में भरती हुई सिसकियों में खुली है। मेरा बचपन बारगाह की सीढ़ियों पे गुजरा है। एक तरफ से देखोगी तो एक ही रुख नजर आएगा। मैं तुम्हें अपनी महरूमियां बता के तुम्हारी हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहता। तुम जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। ये क्या हुआ? इस लड़की ने तो आपको देख लिया, अब इस मामले में